हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट सेलेक्टर लुक्स इन यू, मतलब सेलेक्टर आपके अंदर ऐसा क्या देखते हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। देखिए, मेरे माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल थे जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, जब तक मैंने अच्छे ट्रायल्स नहीं दिए, कि सेलेक्टर हमारे अंदर ऐसा क्या देखते हैं। मैंने बहुत सारे कोचेज से क्वेश्चन किया, बहुत सारे सीनियर से बात करी, राइट। इसी तरह बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि सर, सेलेक्टर हमारे अंदर ऐसा क्या देखते हैं, प्लीज हमें बताइए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे सवालों का आंसर देने वाला हूं और ऐसी चार टिप्स शेयर करने वाला हूं जिन पे आप चल के एक अच्छा ट्रायल दे सकते हैं और ट्रायल को क्रैक कर सकते हैं बिना सेलेक्टर का प्रेशर फील करे हुए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एन एस सी के साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं, जहां पर आपको सिर्फ ऑडियो मिलता है, वीडियो नहीं मिलता। आप हमारी जितनी भी वीडियो जब तक आई हैं उन सब का पॉडकास्ट सुन सकते हैं और वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारी फर्स्ट टिप्स के बारे में। देखिए, इन टिप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई किताबी बातें नहीं है जो मैंने कहीं से सीखी हैं, पढ़ी हैं। ये मेरी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपको बहुत कुछ आज बताने वाला हूँ, जिससे आपको मैं गारंटी देता हूँ कि डेफिनेटली फायदा होने वाला है अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया। तो बात करेंगे हमारे टिप नंबर 1 के बारे में, जो कहती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर्स मोस्ट। मतलब जब आप ट्रायल के अंदर जाते हैं, जब आप रनअप मार्क करते हैं, जब आप बैटिंग के लिए अपना स्टांस लेते हैं, आप पहला दूसरा बॉल खेलते हैं या पहला दूसरा बॉल डालते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, इसे थोड़ा डीप में समझेंगे। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रायल देने गया था ना, तो मैं इतना डर रहा था, मेरे अंदर इतना डर था कि यार लोग क्या बोलेंगे, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। मेरा भीड़ को देख के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस टूट गया था। तो जब मैं बॉलिंग रनअप मार्क करने गया ना अपना, तो मेरे शोल्डर झुके हुए थे, मेरी गर्दन झुकी हुई थी, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बहुत ही डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से जो मैं बॉल डाल पाता हूँ वो भी नहीं डाल पाया, राइट। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और शायद ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने होता हुआ देखा है और शायद आपके साथ भी हुआ हो। तो आपको कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। इसी तरह मैंने कई बच्चों को देखा, मतलब उसी ट्रायल के अंदर जिसमें मैं गया था, वो बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज से खेल रहे थे, मतलब उनको कोई फिक्र नहीं थी किसी चीज़ की और उनका सिलेक्शन भी हुआ, और जो डर रहे थे जिनमें मैं भी था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, राइट। तो मैंने उस चीज़ को वहां से सीखना चालू करा कि नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को अपने कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज को उठाना ही पड़ेगा, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज को उठाना पड़ेगा। और वो कैसे उठाएंगे, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बाहर के लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्टर क्या सोचेंगे, यार मैं इतना अच्छा हूँ या नहीं हूँ, भीड़ को देख के आपका कॉन्फिडेंस टूटना चालू हो जाएगा। इन सब बातों को आपको साइड में रख के जो आप हो वो आपको करके आना है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज आपका अप होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपके अंदर वही सारी सोच रही जो मेरे अंदर थी, तो क्या होगा, वो आप खराब होना स्टार्ट हो जाओगे, राइट। इसी के साथ चलेंगे हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है हाउ यू बैक योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने आप को बैक कैसे करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बैटिंग करने के लिए गए और आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, आपने पहली 7-8-10 बॉल अच्छी खेली, बहुत अच्छी खेली, राइट, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन हुआ क्या कि एक अच्छा बॉलर आया और उसने आपको बोल्ड मार दिया, राइट। तो अब 90% बच्चे पता है क्या सोचते हो, जो बाहर से ट्रायल देख रहे होते हैं, अरे यार अब तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो बोल्ड होगा ट्रायल पे। और हमारा भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि यार मैं बोल्ड क्यों हो गया, अब सेलेक्टर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद होता क्या है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होता चला जाता है, फिर हम एज खाना चालू कर देते हैं, हम फिर से बोल्ड होना चालू कर देते हैं, और जो बॉल पहले हमारे बैट से मिडल हो रहा था ना, वो मिडल होना भी बंद हो जाता है। फिर जब हम ट्रायल से बाहर आते हैं तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं बाहर, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को बैक करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे जो बॉलर्स होते हैं, जब हम बॉलिंग करते हैं तो क्या होता है कि पहली 4-5 बॉल तो हम अच्छी डालते हैं, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने बाउंसर मार दिया, तो बैट्समैन ने बाउंसर पे छक्का दे दिया, राइट। तो क्या होता है, अब उसको ये लगता है कि यार मेरे पे छक्का लग गया, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके साथ भी सेम कंडीशन होती है, उसकी सेल्फ स्टीम गिरना चालू हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिरना चालू हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज गिरना चालू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बॉलिंग वो पहले कर रहा था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसके बाद वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता और होता क्या है कि सिलेक्शन नहीं होता। अब इन दोनों केसेस को अगर आप मिलाओ और सोचो और देखो, तो इनमें इन लोगों ने क्या किया, बैट्समैन हो चाहे बॉलर, उन लोगों ने अपने आप को बैक नहीं करा। अब अगर जो चैंपियन होते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर वो बोल्ड हो गए, बोल्ड होने के बाद उनको कोई रिग्रेट नहीं होता कि मैं यार बोल्ड हो गया, वो अगली बार उससे अच्छे तरीके से खेलते हैं, उसके बाद वो अपनी पूरी बैटिंग को संभालते चले जाते हैं, राइट। जैसे वो पहले 10 बॉल खेलते हैं, एंड में भी वो अच्छा फिनिश करके आते हैं,
उसे कहते हैं अपने आपको बैक करना। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल बेतुकी है कि आप ट्रायल के अंदर अगर बोर्ड लोगे या अगर आपका आपका एज लग गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। कैसी बॉडी लैंग्वेज से अपने आपको बैकअप करते हो, किस तरह का शॉट खेलते हो, किस तरह का आपका अप्रोच रहता है बोर्ड लोने के बाद, वो सेलेक्टर वॉच करते हैं। वो देखते हैं कि कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, या गिव अप कर देगा, राइट? वो हर एक चीज जानते हैं। आप उनको जज करने की कोशिश मत करो सेलेक्टर्स को, उसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा, राइट? इसी तरह बॉलर का है, अगर आपने बाउंसर मारा और आप पे छक्का लग गया तो धुने के बॉलर पे लगता है यार छक्का, तो आपको उसके बाद क्या करना है? आपको बाउंसर पे छक्का मारा ना, तो अगली बॉल आपको उसको बोल्ड ही मारना है, या आपको उसको कैच आउट कराना है, या आपको फिर बाउंसर मार के उसको हेलमेट पे मारना है। ये इंटेंट होना चाहिए, ये आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर दिखना चाहिए। ये गुस्सा, ये एग्रेशन, ये पागलपन, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है और इससे सेलेक्टर्स बहुत इंप्रेस होते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर फाइट करने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, अपने आपको बैक करने की क्षमता है, जो बड़े बड़े मैचेस के अंदर चाहिए होती है आपको। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है दे चेक योर टेक्निकल स्किल्स। मतलब कि वो आपके टेक्निकल स्किल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बैट्समैन हो तो आपके बैटिंग के स्किल्स को देखते हैं, अगर आप बॉलर हो तो बॉलिंग के स्किल को देखते हैं। जैसे कि बैटिंग में अगर आप देखो तो आप कितना स्ट्रेट खेलते हो, कितना वी में खेलते हो, कितने आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हैं, आप किस तरह के बैट्समैन हो, आप हिटिंग करने वाले बैट्समैन हो या आप रुक के खेलने वाले बैट्समैन हो, वो सारी चीज़ वो सेलेक्टर चेक करते हैं और उसी बेसिस पर आपको जज करते हैं। आप कितना अच्छा आपका टेक्निकल स्किल है वो डिपेंड करता है कि आपने सीजन से पहले कितनी मेहनत करी है, कितना आपने अपने आप को ग्राइंड किया है, कितना आपने अपने आप को शाइन किया है, वो मैटर करता है सिलेक्शन के टाइम। और जो आपने सीजन से पहले किया होता है ना, वही सीजन में आपके सामने आता है, राइट? तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जब आपके पास टाइम हो ट्रायल से पहले आप खूब मेहनत करें ताकि आपका जो टेक्निकल स्किल हो बहुत अच्छा हो जाए वहाँ पर। इसी तरह बॉलर का है, बॉलर्स में क्या देखते हैं सेलेक्टर, आपका रिदम कैसा है, आपका जंप कैसा है, आपका स्विंग कितना होता है, आपका 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 फिनिश कैसा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, आपकी स्पीड कैसी है, राइट? ये सारे आपके टेक्निकल स्किल हैं, इनको सेलेक्टर वॉच करते हैं और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, राइट? तो ये जितना आपका अच्छा होगा उतना आप सेलेक्टर को इम्प्रेस करते चले जाओगे, राइट? बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है बोनस टिप मेरे हिसाब से, और वो ये है कि डोंट ट्राई टू आउट थिंक सेलेक्टर्स। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, जैसे मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अगर हम ट्रायल के अंदर बोल्ड हो जाते हैं, या अगर मैंने बाउंसर मारा तो छक्का खा लिया, या स्पिनर ने किसी ने बॉल आगे डाल दिया और सामने का छक्का खा लिया, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो काम ना आपका नहीं है, आपका काम सिर्फ ये है कि आप अगर सेलेक्टर्स को आउटथिंक करने की कोशिश करोगे ना तो आप फेल हो जाओगे। इसका मैं एग्जांपल आपको एक और देता हूँ। जब मैंने ट्रायल दिया था ना, तो मेरे साथ एक मीडियम पेसर था, तो वो क्या कर रहा था, उसका स्ट्रेंथ तो आगे बॉल डालने का था, आगे से आउट करने का था, बट वो क्या कर रहा था, सेलेक्टर को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो एक ओवर में चार चार पाँच पाँच बाउंसर मार रहा था। पहले राउंड में भी उसने ऐसे ही करा, सेकेंड राउंड में भी उसने ऐसे ही करा, वो यही करता चला गया, जबकि वो उसका स्ट्रेंथ नहीं था। तो हुआ क्या, वो नेक्स्ट राउंड के अंदर बाहर हो गया, ठीक है? और जो मैं अपनी स्ट्रेंथ से बॉलिंग कर रहा था, मैं नेक्स्ट राउंड क्लियर कर गया। तो ये होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, उनका गेम होता है टेक्निकल खेलना, वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, बट वो करते क्या, वो हिट मारना चालू कर देते हैं, जो कि उनका गेम नहीं होता। फिर वहीं पर वो बोल्ड होते हैं, वहीं पर वो एज खाते हैं, स्टेप आउट करते हैं, बट बॉल बल्ले से कनेक्ट नहीं होती, जिससे होता क्या है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। इसी तरह कई बैट्समैन होते हैं जिनके अंदर हिटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बट वो सेलेक्टर को दिखाने के लिए पता है क्या करते हैं, टेक्निकल बैट्समैन बनने की कोशिश करते हैं, नीचे नीचे खेलने की कोशिश करते हैं, बट वो उनसे हो ही नहीं पाता क्योंकि वो आपका गेम नहीं है, राइट? तो आप ना सेलेक्टर का काम लेने की कोशिश मत करो कि सेलेक्टर को मैं ये दिखाऊंगा मेरा उस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। नहीं, आप जो हो, आप जैसी बैटिंग करते हो, आप जैसी बॉलिंग करते हो नेट में या मैच में, पूरी जान लगा के जो भी आप करते हो वही आपको ट्रायल के अंदर करना है। और जो जो सोचने वाला काम है ना वो सेलेक्टर का है, वो आपको डेज की टीम में रखेंगे, आप डेज के अच्छे प्लेयर हो या आप वनडे के अच्छे प्लेयर हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेलेक्टर के माइंड के अंदर घुसने की कोशिश करोगे ना तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यार सेलेक्टर को पता है ना कि उसको किस तरह की टीम बनानी है। सेलेक्टर भी क्रिकेट खेले हुए होते हैं और उनको अच्छी तरह पता होता है कि मुझे किस बच्चे को रखना है, किस बच्चे को नहीं रखना, राइट? तो इसलिए सेलेक्टर का रोल बहुत बढ़ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के समय, क्योंकि सेलेक्टर्स को अच्छी तरह पता होता है कि किस बच्चे को उनको सेलेक्ट करना है और किसको नहीं करना, राइट? तो उनका काम उन पे छोड़ दो और आप अपना काम करो। अगर आप उनका काम करने के लिए जाओगे ना तो डेफिनेटली आप मुंह की खाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड आई होप दोस्तों कि ये जो चार टिप्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और आप इनको जितनी बार सुनेंगे आपका माइंड उतना क्लियर होता चला जाएगा, और जब आप ट्रायल के अंदर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। एंड दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो खत्म हो, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो दो तरह के सिलेक्टर होते हैं। पहले सिलेक्टर जो टीम बनाते हैं, जहां आप ट्रायल देते हैं, उसके बाद एक सिलेक्टर वो होते हैं जब आप स्टेट लेवल खेलने के लिए जाते हैं, और जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जो इंडिया सिलेक्टर आते हैं, मतलब जो आपको आगे के लिए पिक करते हैं, आपको आगे भेजते हैं, राइट। अगर सपोज आप 19 खेल रहे हैं तो 19 इंडिया की टीम के लिए आपको आगे भेजते हैं, या आप 23 खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो उन प्लेयर्स को इंडिया ए के लिए भेजते हैं। वो भी सिलेक्टर होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। उनके बारे में सिंपल से ही जानना है आपको कि आप वहां पर जो दिखाते हो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जो वहां पर परफॉर्म करता है उसका नाम वहां के रिकमेंड करते हैं, और जो परफॉर्म नहीं करता उसका नाम रिकमेंड नहीं होता। ये सिंपल सीधी बात है। और हाँ, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और इनकेस आपके परफॉर्मेंस के अंदर, मतलब मैं कहता हूँ 18-19 या 19-20 का फर्क होता है, तो भी वो आपको आगे के लिए रिकमेंड करते हैं, ताकि आप आगे जाके और अच्छा कर सको और इंडिया का नाम रोशन कर सको, राइट। तो ये सेकंड सिलेक्टर होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। तो आई होप दोस्तों कि मैं इस टॉपिक के ऊपर सब कुछ कवर कर चुका हूँ, एंड आई होप कि आप इसके ऊपर काम करके आगे बढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैच से एक रात पहले आपको ऐसी क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट डे जब मैच के अंदर जाओ तो बेस्ट परफॉर्मेंस करो, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस करने के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाए। तो अगेन मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है गाइज। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच।